अच्छा वो आप समझ गए मैं आज क्लास शुरू कर रही हूँ। ओके कल के क्लास में सिलेबस क्या होगा? कल के क्लास में इस क्लास में आपको एक पोएम सीखे थे ना आया वसंत, आप सभी सीखे है समझ गए, मैं आज क्लास शुरू कर रही हूँ। ओके आज आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछिए, आप जवाब देते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, अब देना ही होगा क्योंकि अब वसंत ऋतु हमें सभी क्या हेल्प करते हैं, क्योंकि ये पतझड़ ऋतु जाकर थोड़ा बाहर होते साथ ही वसंत ऋतु आ जाता है, वसंत ऋतु आने का देखकर पतझड़ ऋतु निकल जाता है ना। ये हमें प्रकृति एक हेल्प करते हैं, सूर्य चंद्र हरण बारिश सभी हमें वो नहीं करता है, हेल्प हमें क्यों करना, सूरज अपने आप आते रहता है, हमें हेल्प करते रहता है, ऐसे ही हम सब भी किसे ना किसे हेल्प करना। अब एक चोट लगे तो अब कोई अपने पास कुछ रखते हैं, मुझे थोड़ा ये दे मुझे थोड़ा वो दे, आपका मेरा वस्तु इधर पर रख कर जाता हूँ, ऐसे सभी थोड़ा ही मेरे को हेल्प करते। कुछ गांव से आने वाले रहते बाइक में बिठा के आना, इधर शहर के लिए थोड़ा पढ़ने के लिए हेल्प करना, ऐसे सभी सभी लोग रहते हैं, ये सब के लिए क्या कहते हैं सहायक कहते हैं, है ना। ऐसे ही एक देखेंगे कैसे सहायक होता है, सहायक होने से क्या फायदा, ना होने से क्या फायदा, ऐसा एक आज का आज लेसन है वही है सबकी मदद करो, हम सबकी मदद करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हम सबकी मदद करना चाहिए। लेसन नंबर 5 सबकी आम भाई
क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत बना लूं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आम ने बड़े ही प्यार से कहा। रानी मधुमक्खी ने फटाफट छत बना ली। आम के पेड़ पर सारा दिन पिट पिट होती थी। आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था। उसे खुशी थी कि वहां किसी के काम आ रहा है। उसने नीम से कहा, भाई तुमने मधुमक्खी को मना करके अच्छा नहीं किया। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नीम बोला, अपनी सी अपने पास रख। ये दिन वहां दो आदमी आए, उनके हाथों में कुल्हाड़ियां थी। उनमें से ये आदमी बोला, इससे इस नीम का तना मोटा मजबूत है, इसकी शाखाएं भी बड़ी बड़ी है। दूसरा आदमी बोला, इस आम के पेड़ की भी कुछ शाखाएं काट कर ले चलेंगे। पहले आदमी ने जवाब दिया, ना बाबा ना, इस पर तो मधुमक्खियों का छत्ता है, इसे तो हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, काट खाएंगे मधुमक्खियां। नीम का पेट दर्द कर कांपने लगा। रोते रोते बोला, अम्बाय मुझे बचा लो। रानी मधुमक्खी से कोई की एक छत्ता मेरी डाल पर भी बना ले। रानी मधुमक्खी बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता, उस दिन तो तुमने मना कर दिया था। नीम रोने लगा, वहां अपनी गलती पर पछता रहा था। दूसरे दिन सुबह दोनों आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ पहुंचे। नीम का पेड़ घबरा गया। जैसे ही एक आदमी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, वहां चीख उठा। सारी मधुमक्खियां उस पर दोनों आदमी जान बचाकर भागे। नानी मधुमक्खी बोली, गमंडी ने आम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। ओके, अब एक सारा मिनी आपको मैं बोलूंगी। ये गांव ऊंची मीठ
ऊंचा क्या है? हाई। क्या है? नीम का पेड़। नीम का पास एक ऊंची गाना में बहुत बड़ा नीम का पेड़। नीम का पेड़ नीम मीन्स बेबीना मरा। बेबीना मरा ऊंची एक क्या था? नीम का पेड़ था। नीम का पेड़ बहुत घमंडी था। क्या था? घमंडी। घमंडी क्या है? नींद बहुत घमंडी था। फ्राउड। फ्राउड इस में मुझे घमंडी। पर नीम अकड़ कर कहा, अकड़ कर बोला,
रानी मधुमक्खी गिड़गिड़ाने लगी। क्या बहुत तरसाने लगी, प्लीज गिव मी, मुझे एक हाइव बनाने दीजिए, प्लीज गिव मी, मैं एक छत्ता बना लूं। वो बहुत तरसी, प्लीज गिव मी, नो नो, नीम बाय मना छा मान छा, प्लीज प्लीज मन मान छा, प्लीज गिव मैं बना लूं, मैं एक हाइव ही बना लूं, प्लीज गिव मी मान छा, नो नो, थोड़ा भी नहीं छोड़ा। क्या बोला, तुम ऊंचे हो, क्या बोली नियम मतलब कि तू बहुत हाइट है, बहुत हाइट है वो, प्लीज यू आर ए बहुत है, तुम्हारे डालकर मेरा छत्ता सुरक्षित रहेगा, योर ब्रांचेस बहुत हाइट है, अपने ये है ना गुड़ बहुत सेफ रहेगा, वेल एंड सेफ, प्लीज गिव मी मान जाओ। वो तो घमंडी नीम पर कोई असर नहीं हुआ, घमंडी एक रोड होता ना उसे घर होता ना, मैं ही बहुत बड़ा, मैं ही बहुत हाइट है, मैं बहुत तो ब्रांचेस है, मैं वो तो नहीं सुना, नॉट लिसन, उसका कोई भी असर नहीं पड़ा, इम्प्रेस नहीं हुआ वो बेचारा मधुमक्खी। आम के पेड़ के पास गई, वो छोटा मधुमक्खी था ना हनी बी, वो तो आप बात दो किसके पास गई, मैंगो ट्री के पास गई, वहां बोला आम बाय आम ब्रो मैंगो ब्रो, क्या मैं तुम्हारी शाखा पर छत्ता बना लूं? क्या आम के पेड़ को पूछा, क्या मैं आपके योर डाल पर मिस ब्रांचेस पर मैं एक छत्ता बोर्ड बना लूं? क्या शाखा मीन्स भी ब्रांचेस, शाखा मीन्स भी ब्रांचेस, बना लो क्या मैं भी एक ब्रांचेस में गुड़ बना लू, ये छत्ता बना लो, हाँ हाँ ऐसे क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आम ने बड़े ही प्यार से कहा, बहुत हैप्पी से, वो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, डू इट, बना लो, कर लो, एक है एक आपके छत्ता बोर्ड बना लो, कर कर बहुत हैप्पी से कहा। रानी मधुमक्खी ने फटाफट छत्ता बना लिया, विदिन सेकंड में, विदिन आवर्स में वो एक छत्ता मधुमक्खी, रानी पिंड मधुमक्खी ने एक छत्ता बना लिया, आम के पेड़ पर सारा दिन बीन बीन होती थी, ये आम के ट्री पास ही नहीं थी, बीन बीन साउंड है ना वो बहुत होता था, वेरी साउंड से होता था, आम का पेड़ चुपचाप सब सहता था, ये वर्ड भी नहीं करता था वो बीन बीन साउंड को, कुछ नहीं करता था, बहुत हैप्पी से बहुत खुश है आम के पेड़ का, उसी खुशी खुशी थी कि वहां किसी के काम आ रहा हूं, वो आम के पेड़ को बहुत हैप्पी हो रहा था क्योंकि मैं किसी के काम आ रहा हूं, किसी की हेल्प कर रहा हूं, किसी के वर्क के लिए मैं ही हूं, बहुत खुश थे, आराम से वो बिन बिन सावन से बहुत खुश था, चलो चलो आज इतना ही बस, कल के लिए मैं इतना पूरा करूंगी, ओके, एक बात करना के लिए मैं बोलूंगी, क्या ये गांव था, चलो मैं करना मिलेंगे मकड़े,
ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೆಲ್ಪ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೊಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದೇ ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಲ್ಪಿನ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾನು ತಾನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಕಾ ಒಂದು ಊರು ಇತ್ತು ಉಸ್ ಗಾಂವ್ ಕೆ ಬಾಹರ್ ಆಮ್ ಕಾ ಏಕ್ ಪೇಡ್ ಥಾ ಆ ಊರಿನ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಮರ ಇತ್ತು ಉಸ್ಕೆ ಪಾಸಿ ಏಕ್ ಉಂಚಿ ಬನಾ ನೀಮ್ ಕಾ ಪೇಡ್ ಥಾ ಇಡೀ ದಿನ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಬೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೌರಾಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು
ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೇನು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಉಸೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಸ್ಥಿತಿ ಕಿ ವಹಾ ಕಿಸಿ ಕಿ ಕಾ ಆ ರಹಾ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಗೂಡು ಕಟ್ಟೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆದಂಗಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ನಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಟುಮಾರೋ ಕ್ಯಾ ಕರೆಂಗೆ, ಓ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಲಾಭ ಹುವಾ, ಓ ಆಪ್ಕೆ ಜಾಕೋ ಕ್ಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿಲಾ, ಓ ಮದದ್ ಮಕ್ಕಿ ಕೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಕಿಸೆ ಕ್ಯಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಿಲಾ, ನೀಮ್ ಕಾ ಹಾಲತ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಕರ್ ದೇತೇಂಗೆ. ಚಲ ಆಜ್ ಆಪ್ಕೊ ಯೇ ಆಜ್ ಯೇ ಲೆಸನ್ ಸಮಜ್ ಮೇ ಆಯೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸಮಜ್ ಕರ್ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಕರ್ ರೋ, ಯೇ ಆಜ್ ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಮಾಪ್ತ ಕರ್ತಾ ಹುಂ, ಕಲ್ ಯೇ ಇಸ್ಕಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೈ ಕರ್.